नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल की सांसद और विवादित बयानों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, जिन्होंने गोडसे पर बयान देने के बाद अब माफी मांग ली है। बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में गोडसे के अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने ये शब्द नहीं कहे थे। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मैं सदन में पूरी तरीके से अपनी टिप्पणी पर माफी प्रकट करती हूँ। इस बात के लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। बिना आरोप साबित हुए मुझे आतंकवादी कहना गलत है। प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें रक्षा मामले की सलाहकार समिति से हटाने का फैसला किया था। राहुल गांधी ने 28 नवंबर को ट्वीट किया था कि आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकवादी गोडसे को देशभक्त बताया। भारतीय सांसद के इतिहास में एक उदास दिन था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद हैं और उन्होंने इस साल चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में भी अभियुक्त हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारण की वजह से जमानत पे बाहर चल रही हैं। इससे पहले भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऐसे बयान से वे बहुत दुखी हैं और उसे कभी वे दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने इस साल लोकसभा चुनाव में भोपाल से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। वे अपने बयानों को लेकर विवाद में भी रहती हैं। इस धमाके में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बाद में इस मामले में NIA कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें दोषमुक्त नहीं माना गया था। दिसंबर 2017 में दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा था कि प्रज्ञा पर UPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविजनल एक्ट के तहत मुकदमा चलता रहेगा। प्रज्ञा ठाकुर पर समझौता एक्सप्रेस विस्फोटक मामले में अभियुक्त सुनील जोशी की हत्या का आरोप भी लगा हुआ है। जोशी की हत्या 29 दिसंबर 2007 को करवा दी गई थी। जब बात करें अजमेर दरगाह ब्लास्ट की, तो उस मामले में भी प्रज्ञा ठाकुर का नाम उछाला गया था, लेकिन अप्रैल 2017 में NIA ने प्रज्ञा ठाकुर, RS नेता इंद्रदेश कुमार और दो अन्य के खिलाफ राजस्थान की स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। वहीं हम बात करें मालेगांव ब्लास्ट की, तो अंजुम चौक और BQ चौक के बीच में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पे बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर अभियुक्त थी। ऐसी दिलचस्प और मजेदार खबरों के लिए हिंदुस्तान न्यूज डेली के चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें, एवं लाल कलर का साइड में दिया गया सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।